हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुभाषिस। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों के लिए ऐसे ही लर्निंग वीडियो में लाता रहता हूं। और ये लर्निंग सीरीज का और एक वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बल्क डील एंड ब्लॉक डील के बारे में। डेफिनेटली ये टर्म्स अलग अलग होते हैं, लेकिन कभी भी न्यूज आता है आपके पास ये स्टॉक में बल्क डील हो रहा है या फिर ब्लॉक डील हो रहा है, तो आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं ये स्टॉक में करें क्या, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है, बस एक न्यूज रहता है। जैसे अभी पीसी ज्वेलर में कंटिन्यूसली बल्क डील चल रहा था, तो इसका पहले डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेटली वीडियो को लाइक करते रहिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और शेयर भी करना मत भूलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज बल्क डील। तो जैसे कि नहीं, इसका डेफिनेशन पहले जानने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। BULK बल्क डील हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि नहीं, मिनिमम कोई शेयर का अगर 0.5% कोई भी एंटिटी हो, इंडिविजुअल पर्सन हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन, अगर कोई शेयर का 0.5% बाय या सेल करता है, ये आ जाता है बल्क डील। और ये रिपोर्ट हमेशा ब्रोकर हाउस NSE या फिर BOC जहां से भी डील हुआ होगा उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। इसका मतलब ये हो जाता है सिंपल भाषा में, अगर आप कल पीसी ज्वेलर, सपोज एग्जांपल पीसी ज्वेलर का 0.5% अगर खरीदना चाहते हैं, वो आप बल्क डील हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा खरीदते हैं तो डेफिनेटली ये बल्क डील के अंदर आ जाता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा बल्क डील के अंदर। पहले डेफिनेशन समझ जाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कहां पे ये चार्ट देख सकते हैं, कहां पे आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसमें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी ब्लॉक डील के ऊपर देखते हैं। ब्लॉक डील क्या होता है? ब्लॉक डील क्या होता है? पहले से ब्लॉक हो गया होता है, इसका मतलब बायर सेलर दोनों रेडी होते हैं। पकड़ लीजिए आपके पास 1% का शेयर है पीसी ज्वेलर का और आप सेल करना चाहते हैं, और पहले से एक एग्रीमेंट हो गया है, मे बी उसको रेडी हो गया हूं बाय करने के लिए। इसका मतलब पहले से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ परसेंट शेयर मैं बेचने वाला हूं पीसी ज्वेलर का और कोई खरीदने वाला है, ये पहले से रेडी रहता है, इसको बोलते हैं ब्लॉक डील। ये मार्केट को पहले से पता रहता है, इन लोग को NSE को रिपोर्ट करना रहता है, उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है मार्केट आवर्स में ट्रेड करने के लिए, ब्लॉक डील होने के लिए। तो ये ब्लॉक डील में पहले से दोनों एंटिटी रेडी रहते हैं, और बल्क डील में हम लोग कोई भी एंटिटी रेडी नहीं रहता, ये मार्केट आवर्स में कोई भी खरीद सकता है और ये रिपोर्ट बाद में पब्लिश होता है, NSE को पास जाता है कि नहीं ये बल्क डील हुआ है और ये ब्रोकर के साथ और इंडिविजुअल पर्सन नेम के साथ। तो अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है, कहां पे ये आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कहां पे आप इसको देख सकते हैं। दिख रहा होगा वहां पे, मैं आपको बताता हूं बल्क डील कहां पे आपको पता चलेगा। ये सब इंफॉर्मेशन देखिए NSE के साइट में मिल जाते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म में मिल जाते हैं, जैसे कि मनी कंट्रोल हो गया या फिर दूसरे कोई वेबसाइट में। तो चलिए हम लोग, पहले मैं यहां पे सर्च करके रखा हूं बल्क डील, आपको ये वेबसाइट खोल के दिखाता हूं NSE का वेबसाइट। तो यहां पे जो डाटा होंगे वो NSE के वेबसाइट में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे 1 day, 7 days, 2 week, यहाँ पे 7 days का मैं ब्लॉक डील आपको दिखाता हूँ क्या हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कम्प्लीटली 7 days का डाटा आपको मिल रहा है, यहाँ पे जो जो स्टॉक का बल्क डील हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसमें क्या इंटरप्रेशन, देखिए पहले देखते हैं डाटा कहाँ पे मिलेगा। ये एरिया पे देखिए आपको डाटा मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये आपको पहले आपका सिंबल का नेम मिल जाएगा, कौन सा सिंबल के नेम से ये बाय या सेल हुआ है ये सिंबल, और सिक्योरिटी का नेम क्या है, ये सिंबल है, ये नेम है, उसके बाद ये क्लाइंट, कौन से क्लाइंट इसको बाय या सेल किए, और सेल किए तो कितना क्वांटिटी सेल किए हैं, ये इंपोर्टेंट हो जाता है, ये क्वांटिटी सेल किए। तो डेफिनेटली ये स्टॉक अगर आप जाके चार्ट में देखेंगे आपको समझ में आएगा सेलिंग के लिए इसमें कोई सिनेरियो है या नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, कोई सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये सब चीजें आपको थोड़ी देखनी पड़ेगी, फर्दर एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पीसी ज्वेलर में क्या हुआ था। अगर पीसी ज्वेलर में इसको बैक करके सर्च करूं आपके लिए बल्क डील इन पीसी ज्वेलर, पीसी ज्वेलर अभी बहुत अच्छा एक मोमेंटम हुआ है, पीसी ज्वेलर में कंटिन्यूअसली बल्क डील चल रहा है, अगर इसके ऊपर हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए मनी कंट्रोल के अंदर चलेंगे, मनी कंट्रोल के अंदर सेम आपको पता चल जाएगा कहाँ पे ये बल्क डील चल रहा है। अभी देख सकते हैं ये डाटा को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं कहाँ पे डीलिंग चल रही है, आपको वो स्टॉक में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी देख सकते हैं पीसी ज्वेलर ये कंपनी नेम है, क्लाइंट कौन सा क्लाइंट इसको बाय कर रहा है, देखिए बाय और एवरेज प्राइस देख सकते हैं 94, और ये लास्ट टाइम 10 अप्रैल को हुआ था, फिर 5 अप्रैल को बाय, और ये कहीं भी सेल भी हुआ था, कोई कोई एंटिटी इसको सेल कर रहा है। इसका मतलब अगर ये क्लाइंट या फिर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन मिनिमम 0.5% के ऊपर इधर बाय या सेल कर रहे हैं, जब भी ये बाय सेल ऊपर होता है तो ये बन जाता है बल्क डील। यहाँ पे देख रहे होंगे बल्क डील लिख रहा है, तो इसका मतलब कि नहीं मिनिमम आपको कोई शेयर का कोई स्टॉक प्राइस का
0% 5 से ज्यादा या ऊपर नीचे खरीदना पड़ेगा तो ये लिस्ट में आ जाएगा। जो ब्रोकर इन्फॉर्म करते हैं एलएसी या बीएसई को कि नहीं हाँ इतना यहाँ पे एक बल्क डील हुआ है, ठीक है। तो आप अभी इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये डाटा तो आपको मिल गया, अगर आपको डाटा दिख रहा है ये तो क्या कर सकते हैं, सिंपल देखिए इसके साथ आपको और दो तीन पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। उसका चार्ट कहाँ पे चल रहा है, टेक्निकल कैसा दिख रहा है। अगर पीसी जो लग रहा बात करूं तो मुझे याद है सेप्टेम्बर लास्ट 2018 से ये स्टॉक कंटिन्यूसली 100 के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार नवंबर में ये टच करने का कोशिश किया था और लास्ट मंथ भी इसने 100 टच करने का कोशिश किया था लेकिन 100 टच नहीं कर पाया था। इसका मतलब 4-5 मंथ ये 100 के लेवल से नीचे ट्रेड कर रहा है और 100 इज ए होल नंबर। जिन लोग मेरे लर्निंग का वीडियो देखते हैं उनको पता है होल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको टाटा मोटर्स DVR में ट्रेड दिया था, आपको याद होगा 200 के ऊपर या फिर टाटा मोटर्स DVR 100 के ऊपर जाता है आपको बहुत अच्छा एक ट्रेड मिलेगा और ऑलमोस्ट ये 8-9% जा चुका है इसके ऊपर। तो इससे अगर आपको याद है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और सेकंड थिंग, ये पॉइंट में ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि पीसी जो 100 का लेवल बहुत अच्छा एक लेवल था, आज इसने 100 का लेवल क्रॉस किया और क्रॉस करते ही साथ 15-16% मूव कर गया इन ए डे। आप अगर नजर में रखे होते तो डेफिनेटली इट इज ए होल नंबर गेम, आपको बहुत अच्छा। अगर ये 100 के ऊपर सस्टेन करता है तो आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा मोमेंटम दे सकता है, लेकिन हाँ हर दिन आप ये मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा रिट्रेस होगा फिर उसके बाद कंटिन्यूसली मोमेंटम हो सकता है। तो मुझे लग रहा है अगर 100 में फिर से आपको अगर शेयर मिल रहा है तो खरीद लेना चाहिए, अगर 100 में आके ये सपोर्ट में, क्योंकि 100 अभी ये इसके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन चुका है, 100 में आके ये रेजिस्ट करता है तो फिर से आप अपना क्वांटिटी बढ़ा कर सकते हैं। ये आने वाले टाइम में 150-180 तक भी जा सकता है जो कि अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग बड़े बड़े लोग बाय कर रहे हैं, एक एंटिटी बाय हो रहा है, काफी टाइम से बल्क डील चल रहा है इसके अंदर, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, तो आप भी इसमें बाय करके पैसा बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मार्केट टाइमिंग से ऊपर बनाऊंगा, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।